जी। और जो हमारा प्रोटेस्ट गोल के अंदर सब डिविजन के अंदर हो रहा था, इसके लिए हमारी लड़ाई जो है अभी जारी रहेगी। जो आज हमारी मीटिंग जम्मू के अंदर थी वो कैंसिल की गई। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नर इंतजामिया से कि हमारा पूरा जो हम क्वारंटीन में भी रात और दिन को काम करते रहे और हमें इंसाफ दिया जाए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है डेली वेजरों को, और सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे गरीबों की ब्यासों की आवाज जो है गवर्नमेंट इंतजामिया तक पहुंचाती है। सर, आज हमारा ये प्रोटेस्ट जो है ये 24 तारीख से चल रहा है जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिवीजन में, हर डिवीजन में। हम 24 तारीख से काम छोड़ हड़ताल पे हैं और अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई भी इस पे बात नहीं की है कि हम आपके मसले को हल करें। जैसे कि पीडीडी का उन्होंने अप्रूवल भी कर दिया है। हम मुबारकबाद देते हैं गवर्नर इंतजामिया को, बीजेपी सरकार को, जिन्होंने 25 सालों के बाद देर आई दुरुस्त आई, चलो एक कदम तो उठा लिया। और हम कहते हैं कि जो 61,000 लोग हैं उनका सब उन लोगों के साथ सबों के साथ इंसाफ किया जाए, ताकि जो 25 सालों से हम सफर कर रहे हैं, 25 सालों से हम लोग गवर्नमेंट की खिदमत करते हैं, गरीब लोगों की खिदमत करते हैं। क्योंकि देखिए सर, हम आज भी आप अगर कैमरा घुमाओगे तो यहाँ पे आज भी बर्फ और बारिश चल रही है, क्योंकि हम मतलब यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर से पानी रिस्टोर करके लाते हैं और आवाम को पिलाते हैं बिना पैसे के। शुक्र है कि एक साल से हमारी पे जो है वो मंथली शुरू हो चुकी है, और मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि एकजुट हो जाओ और गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुँचाओ कि हमारी मजबूरी क्या है। हमारी मजबूरी है क्योंकि मार्च का महीना है, स्कूल खुल चुके हैं सर, अभी हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, एडमिशनें करवानी है, किताबें लेकर देनी है। हम लोग तो सफर कर रहे हैं क्योंकि 7,850 मिल रहा है, वो तो दुकानदारों का तेल की बोतल 300 की दे रहे हैं 1 kg की, तो हम कहाँ जाएंगे। हम गवर्नमेंट इंतजामिया से और गवर्नर साहब से खास तौर पर खासकर ये मुतालबा करना चाहते हैं कि कम से कम हम गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए और 61,000 लोगों को अपना हक मिले। रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस, दो जनवन डिमांडें हमारी है, एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूट्यूब के अंदर है, वही जम्मू कश्मीर यूट्यूब के अंदर जो है लागू किया जाए। जी, और जो हमारा प्रोटेस्ट गोल के अंदर सब डिविजन के अंदर हो रहा था, इसके लिए हमारी लड़ाई जो है अभी जारी रहेगी। जो आज हमारी मीटिंग जम्मू के अंदर थी वो कैंसिल की गई। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नर इंतजामिया से कि हमारा पूरा जो हम क्वारंटीन में भी रात और दिन को काम करते रहे और हमें इंसाफ दिया जाए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है डेली वेजरों को, और आगे ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम यही भी कहना चाहते हैं लगातार क्वारंटीन में भी हम खड़े रहे रात और दिन को। 1-1 लाख, 2-2 लाख जो एजुकेशन के मुलाजिम थे उनको बैठ के तनख्वाह दी गई, हमें अभी तक भी नहीं 225 रुपया जो रेट है वही दिया गया है, वो सुबह से लेकर शाम तक हम ड्यूटी करते हैं। जनाब, 10 साल तो मुझसे फ्री टाइम में नौकरी ली है, कोई तनख्वाह कोई पैसा नहीं। उसके बाद 500 रुपया हमें कहीं 4 महीने या 5 महीने के बाद कहीं रैसी से जाकर हमें मिलता था। उसके बाद होते होते हमें ये
रुपये ही मतलब 700 रुपया अब मिला, लेकिन इस वक्त 30-35 साल तक मुझे सर्विस करते हुए हुए, लेकिन आज तक मुझे कोई चीज का पता इलम नहीं है कि क्या करना है क्या करना है। पंचो वहाँ नौकरी में इस वक्त हम मुझे एक एक खाली बंदा हूँ मैं लेन पर, एक खाली बंदा, मेरे साथ कोई भी दूसरा बंदा नहीं है जिसमें के चार लेने में चला रहा हूँ। मैं जनाब इस वक्त तकरीबन 10-19 मेरी एज है जनाब, जैसे पार हो गए, पार हो रहा हूँ जनाब। तो आप जनाबों की मेहरबानी है मेरे मस्किन पर हम पर कोई रिम की नज़र पर। बच्चे जनाब चार बच्चे हैं मुझे जनाब, चार बच्चे और दो कुड़ी है जनाब। जनाब फिर जनाबों की मेहरबानी है अगर कहे हम पर रिम की नज़र डाल दें तो ठीक है, नहीं तो हमारे क्या जोर है जनाब। जनाब सबसे पहले मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा मसला था, हम आज हमें 6-7 दिन हो गए काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हुए, अगर हमारा जो मसला है हल नहीं हुआ, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हुआ, रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं हुई, तो आज के बाद, आज और कल की डेट के बाद हम इससे भी ज्यादा से ज्यादा सख्त रवैया अपनाएंगे और हम अब पानी भी बंद करेंगे। नहीं तो हमने आज तक सोचा था कि अगर गवर्नमेंट हमसे कुछ पॉलिसी दे पाए या मिनिमम वेज एक्ट लागू करे तो चलो हम कॉल ऑफ करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि गवर्नमेंट इंतजामिया जो है कि इस मूड में है कि हमारा कोई काम बने। तो आज हमें यही लगता है कि ये कुछ करने के काबिल नहीं है और ये निकम्मे लोग जो है कुर्सियों पर बैठे हैं और इनको कोई भी हक नहीं है कुर्सी पर बैठने का। तो आज या कल के बाद हम पानी बंद कर सब जितने भी जहां भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब डिस्ट्रिक्टों में पानी बंद करेंगे और इनको पता चलेगा कि डेली वेजर का काम कितना है और काम कौन करता है। इनका यही होता है कि चलो डेली वेजर काम नहीं करेगा दूसरा थर्ड पर्सन काम करता है, लेकिन आज हम आपके माध्यम से उनसे ये बात करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि आज के बाद अगर कोई भी हमारे जगह में काम करने के लिए आ जाए या पानी चलाने के लिए आ जाए तो अगर उसका कोई भी नुकसान होगा तो सीधा सीधा जिम्मेदारी जो होगी गवर्नमेंट इंतजामिया पे होगी और हमारे ऑफिसरों पे होगी।